सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी विथ रोज़। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ ये शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क के बारे में, कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कैसे वर्क करते हैं हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, और ये रियल में वर्क करते भी हैं या नहीं। सो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊँगी ये है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का शैम्पू। ये शैम्पू जो इसमें है ब्लैक ऑनियन, ब्लैक सीड ऑयल एंड पैचुअली। और ये शैम्पू जो ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, ये जो है मैंने जब इसे यूज़ किया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ना ही उतना हार्श केमिकल्स है, ना ही हेयर को ज़्यादा फ्रिजी करता है, ना ही ड्राई करता है। ये जिनका फ्रिजी हेयर है, अनमैनेजेबल हेयर है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सेकेंड ऑफ ऑल इसका फ्रेगरेंस भी जो है ये शैम्पू का, ये बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस है, ये ज़्यादा आपको हार्श नहीं लगेंगे। एंड ये शैम्पू जो है बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं आपके हेयर को, हेयर पे। तो ये है पहले वाला शैम्पू। सेकेंड है ये है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का हेयर कंट्रोल कंडीशनर। ये कंडीशनर भी ऑनियन, ये सारे ये तीन प्रोडक्ट्स जो है सेम रेंज के हैं। सो ये प्रोडक्ट ये जो है ये कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। ये जस्ट आप दो तीन बार आप अपने इसे हाथ पे लेकर अपने हेयर लेंथ पे आप इसे लगाना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इससे पहले यूज़ कर रही थी नायका का हेयर शैम्पू, वो भी बहुत अच्छा था। बट उसके बाद जब मैंने इस पर जब ट्राई किया, वो सल्फेट फ्री नहीं था, लेकिन ये सल्फेट फ्री शैम्पू है और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मेन पॉइंट इसका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसमें जैसे आप देख रहे हो ये 400 का है एंड ये 350 का है, लेकिन मैंने ये दो का कॉम्बो लिया था, शायद शैम्पू और कंडीशनर का, या फिर शैम्पू कंडीशनर, या फिर शैम्पू या मास्क का कॉम्बो लिया था। मुझे 750 या 780 का मुझे पर्पल से मैंने लिया था, ऐसा कुछ पड़ा था मुझे। लेकिन जब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स का जब मैंने देखा रिव्यू, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन ये एकदम बॉम प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन नहीं है, वेगन प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड देन ये है मास्क, आप देख सकते हो मैं ये मास्क कितना यूज़ कर चुकी हूँ। ये मास्क, इसका स्मेल बहुत 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 अच्छा है। इसका स्मेल इतना अच्छा है कि आप शैम्पू जैसे आज कर रहे हो ना, तो आपका ये वन एंड हाफ डेज तक तो इसका स्मेल रहेगा ही रहेगा। बहुत अच्छा शैम्पू है। लेंथ में आप अपने हेयर लेंथ पे लगाओगे, रूट्स में लगाओगे, इतना अच्छा आप एकदम विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा जैसे ही आप इसे यूज़ कर लेते हो। यूज़ करने के बाद आप जब अपना हेयर डिटैंगल करोगे, एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि वेट हेयर में हेयर डिटैंगल मत करना, वरना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। जब आपका हेयर थोड़ा सा सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब आप यूज़ कर आप अपना हेयर डिटैंगल करना, आपका हेयर फॉल भी कम होगा और मैनेजेबल भी हो जाएगा जल्दी से। और अब जब ये जब आप देखोगे तो इतना शाइनी लगेगा आपका हेयर और बहुत कम ही आपका हेयर फॉल होगा। सो आप ये रेंज को ट्राई कर सकते हो, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट रेंज। आप एक बार देखो, ये बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली ये सारा प्रोडक्ट्स हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये इस चीज़ का अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं इतना यूज़ कर भी चुकी हूँ, देख सकते हो मैं इतने यूज़ कर भी चुकी हूँ। मैं अपना आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा। आप ट्राई कर सकते हो, आप अपना रिव्यू भी मुझसे शेयर कर सकते हो। फॉर मोर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी। बाय बाय गाइज़।